भारतीय किसान यूनियन भानू ने चकबंदी और डूडा में अवैध वसूली का किया विरोध। आपको बता दें, बरेली में ग्राम रुड़की पगराना चौहमहला तहसील बहेड़ी में चकबंदी नहीं कराने की मांग कराते हुए भारतीय किसान यूनियन भानू के भारत राष्ट्रीय महासचिव शोएब इजहार खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। मेरा नाम शोएब इजहार खान है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन में। कौन सा गुट अपना? हमारा गुट भानु गुट है। क्या मांगे हैं आज? हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो जो किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है उनको जाने दिया जाए। जो हमारे मांगे हैं जायज हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं उन्होंने रख रखी हैं, एमएसपी पे गारंटी कानून जो बनाया जाए उसका हमें लाभ मिले। किसानों का जो रेट है वो बहुत कम है और बहुत सी समस्याएं जो गिनाई नहीं जा सकती। जो माननीय मोदी जी ने कहा था किसानों को कर्जा माफ करा जाएगा, ना वो करा। हम जब गाजीपुर बॉर्डर पे धरने पे बैठे थे तो हमें आश्वासन दे के ठीक है भेज दिया गया, हम चले आए, वो हमारा अभी तक लागू नहीं करा गया। उसी चीज को लेकर हमारे सारे किसान वहां संघर्ष कर रहे हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, नहीं ये इतना बड़ा आंदोलन होगा कि देश तितर से बितर हो जाएगा। बकाया रुड़की ग्राम पंचायत का हमारा वो होना है चकबंदी के लिए दे दिया, जबकि पूरा गांव सारे किसान चाहते हैं कि चकबंदी ना हो। हम उस चकबंदी को रुकवाने के लिए भी हमारा ये उद्देश्य माननीय आईडीएम साहब से मिलने का सबसे मेन मुख्य यही है। और ये हमारा एक मीटिंग प्रस्ताव पास हुआ है।